हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आजकल फेस्टिवल्स का सीज़न चल रहा है और मैं आपके लिए लाई हूँ इसलिए एक स्वीट की रेसिपी जो कि है बालूशाही, और वो बनेगी बिल्कुल हलवाई स्टाइल। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बालूशाही बनाने के लिए आधा किलो मैदा लिया है मैंने। अब मैं इसमें बीच में थोड़ी सी जगह बना लूँगी, बिल्कुल ऐसे। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रिफाइंड ऑयल, जो मैंने लिया है 200 ml। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चौथाई चम्मच बेकिंग सोडा और साथ में 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर का। इसमें मैंने 50 ml पानी भी ऐड कर दिया है। इन सब चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, ये मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे बाद में। और अब मैदा भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे एक डो रेडी करेंगे। आपको याद रखना है कि बेकिंग सोडा और पाउडर दोनों डाला है हमने, लेकिन बेकिंग सोडा है उसकी क्वांटिटी बहुत ही थोड़ी डलेगी इसमें, और बेकिंग पाउडर भी 1 छोटा चम्मच से ज़्यादा नहीं डलेगा। अब अच्छे से मिक्स कर लें इसे मैदे के साथ। और अब हम इसका एक डो रेडी करेंगे। उसके लिए हम इसमें सिर्फ पानी के छींटे देते हुए हमने आटा गूंदना है। एक साथ ज़्यादा पानी बिल्कुल ना ऐड करें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लें, उसको छींटा दें आटे को, और उसके बाद एक डो रेडी कर लें। ये आटा जो हम गूंद रहे हैं ये ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। ये हमारा बिल्कुल रोटी जैसा आटा गूंदेगा, जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसा ही। आटे को गूंदते हुए ध्यान रखना है कि हमें इसे बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, हल्के हाथों से सारे आटे को इकट्ठा करना है। डो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसको हाथ में लेकर आप ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते रहें और बस ये रेडी है। अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल देंगे और ढककर इसे रखेंगे। इसे गीले कपड़े से ढक देंगे हम और ढककर इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये रेस्टिंग टाइम इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आधा घंटा हम रेस्ट करने देते हैं। आधा घंटा हो गया है, तो अब हम अपने डो को देख लेते हैं। इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे दोबारा से, और ये एकदम रेडी हो गया है। बिल्कुल सॉफ्ट डो हमारा रेडी है। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करें और अब ये यूज़ करने के लिए एकदम रेडी हो गया है। तो हम इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसको हाथों में प्रेस करते हुए गोल गोल घुमा लेंगे। अब इसके बीच में हम अपने थंब का इम्प्रेशन देंगे बिल्कुल ऐसे, और ये हमारी बालूशाही की शेप रेडी हो गई है। बाकी सब भी हम रेडी कर लेते हैं बिल्कुल इसी तरह से। तो देखिए, यहाँ मैंने सारी बालूशाही की शेप रेडी कर ली है। इनको साइज़ में छोटा और थोड़ा पतला ही बनाएं, क्योंकि जब ये फ्राई होती हैं तो इनका साइज़ डबल हो जाता है। कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने रख दिया है। ये मीडियम हॉट ऑयल है, ना ज़्यादा आपने ठंडे ऑयल में डालना है ना तो इसे गरम ऑयल में डालना है, बिल्कुल मीडियम हॉट ऑयल में डालेंगे। और आंच आपने बिल्कुल सिम पे रखनी है। हम बिल्कुल सिम आंच पे इसे फ्राई करेंगे, इससे ये अंदर तक सारी लेयर पक जाएंगी इसकी। नहीं तो अगर आप तेज़ आँच पर करेंगे तो ऊपर से तो इसका कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। बिल्कुल धीमी आंच पर इन्हें पकाएं, और अभी इसमें कड़छी नहीं लगानी है। अभी ये सारे नीचे बैठ गई हैं, लेकिन जैसे जैसे पकेंगी ये ऊपर आ जाएंगी। देखिए, अब ये ऊपर आ गई हैं, पक गई हैं। तो इसके बाद, अब इनके ऊपर आने के बाद इस टाइम हम इन्हें पलटेंगे। दूसरी साइड से पलटने के बाद इसको हम पकने देंगे थोड़ी देर और बिल्कुल धीमी आँच पर ही पकाना है इसे। अब देखिए, हल्का हल्का इनका कलर चेंज हो गया है और ये थोड़ा थोड़ा पक गई हैं दोनों साइड से। तो इस टाइम हम गैस की फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। देखिए, हल्की सी मैं इसकी गैस की फ्लेम को बढ़ा रही हूँ, बस इतना ही बढ़ाएंगे हम गैस की फ्लेम को। और अब इन्हें पकने देंगे। तो जब तक ये पकती हैं तब तक हम इसकी चाशनी रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 गिलास चीनी ली है और उसमें आधा गिलास मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अब हमने चीनी को डिज़ोल्व करना है पानी में। गैस की फ्लेम हम इस टाइम तेज रख सकते हैं और अच्छे से चीनी को घोल लें पानी के अंदर। हमें कोई 1-2 तार की चाशनी नहीं बनानी है बालूशाही के लिए, बस थोड़ी देर पकाना है इस चाशनी को हमने। तो पानी में चीनी बिल्कुल घुल गई है। तब हम कड़छी को निकाल लेंगे और 2 मिनट के लिए इसे बिल्कुल धीमी आंच पर पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं चाशनी को पकते हुए, तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। बस हमें ऐसी ही चाशनी चाहिए। बालूशाही हमारी बिल्कुल अच्छा कलर आ गया है, इसमें पक गई है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैं 2 बैच में अपनी बालूशाही को फ्राई कर रही हूँ। जितनी बालूशाही एक बार में कढ़ाई में आए उतनी ही आप इसमें डालें और फिर नेक्स्ट बैच में बाकी बालूशाही को फ्राई कर लें। बालूशाही को अब हम चाशनी में डिप कर लेंगे। बालूशाही को चाशनी में डिप करते हुए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी बालूशाही तेज़ गर्म है तो आपकी चाशनी नॉर्मल टेम्परेचर की होनी चाहिए, और अगर आपकी चाशनी तेज़ गर्म है तो बालूशाही का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। दोनों में से एक चीज़ ही गर्म होनी चाहिए एक टाइम पे। अगर दोनों चीज़ें ही गर्म होंगी, आप गरम गरम चाशनी में गरम गरम बालूशाही डाल देंगे तो आपकी बालूशाही उतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो एक चीज़ गर्म लें और एक चीज़ का टेम्परेचर नॉर्मल लें। अब 15 मिनट तक हम इसे चाशनी में डिप रहने देंगे। जितनी बालूशाही आपको यूज़ करनी है आप उतनी ही इसे चाशनी में डालें और इसको कंज्यूम कर लें, और बाकी की बालूशाही को आप जो आपने फ्राई किए हैं उनको स्टोर कर कर एयरटाइट डिब्बे में आप फ्रिज में रख सकते हैं। ये महीना भर ख़राब नहीं होगी। सेम आप चाशनी के साथ भी कर सकते हैं, इसको भी आप स्टोर कर लें फ्रिज में, और जब आपका दिल हो तब हल्का सा गुनगुना करें चाशनी को और उसमें बालूशाही ऐड करते 15 मिनट तक रखें, और आप इसे इंजॉय कर सकते हैं पूरा महीना जब आपका दिल करे। 15 मिनट हो गए हैं बालूशाही को चाशनी में, तो एक एक करके हम चाशनी में से बालूशाही निकाल लेंगे, और ज़्यादा चाशनी नहीं निकालते हैं बालूशाही के साथ, तो ये चाशनी हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। बालूशाही रेडी हो गई है, तो आप जो इसकी चाशनी बची है मैं इसको फ्रिज में स्टोर कर लूँगी, और जब मुझे दोबारा बालूशाही खानी होगी तब मैं इसको हल्का गर्म करूँगी और इसमें बालूशाही को 15 मिनट तक डिप कर कर दोबारा यूज़ कर लूँगी। तो हमारी टेस्टी बालूशाही रेडी है। अब हम इसे थोड़ा गार्निश कर लेंगे। तो गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बादाम का, आप चाहें तो पिस्ता का यूज़ भी कर सकते हैं, और थोड़े से मैं इस पर रोज़ पेटल भी ऐड कर रही हूँ। तो बालूशाही एकदम रेडी हो गई है हमारी, और बहुत ही प्यारा कलर आया है और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है। मैं आपको अंदर से एक तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर से भी अच्छे से इसमें रस चला गया है और बहुत ही टेस्टी है ये। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।